फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं EHD 05 के सोल्व असाइनमेंट के बारे में। यहां से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इनमें से टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट को सबमिट करने की लास्ट डेट जुलाई 2019 सेशन के लिए 31 मार्च है और जनवरी 2020 सेशन के लिए 30 सितंबर है। तो दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट टाइम से पहले बना के सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अगर आप अपने असाइनमेंट के लिए PDF सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे WhatsApp पे कॉन्टेक्ट करके किसी भी सब्जेक्ट का PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर आप अपने असाइनमेंट लिखने में असमर्थ हैं तो आप इसी टाइप के हैंडमेड असाइनमेंट भी मुझसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इसकी उत्तर पुस्तिका स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके उत्तर पुस्तिका में आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, काला पेन और नीला पेन। आपको अपने क्वेश्चन लिखने के लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं और अपने आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रीन पेन और रेड पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अपने असाइनमेंट बनाने के लिए आप प्रैक्टिकल शीट या A4 साइज शीट का यूज कर सकते हैं, वो शीट जिसमें एक तरफ लाइन हो और दूसरी तरफ प्लेन पेपर हो। आप चाहें तो असाइनमेंट इसी वीडियो से देख के भी लिख सकते हैं। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें असाइनमेंट में कुछ तकलीफ है तो इस वीडियो को डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। तो असाइनमेंट से जुड़ी एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगी, आप अपने असाइनमेंट टाइम पे जमा करा दें। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दी जाती है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाती है। सो आप अपने टाइम तो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी क्वेरी रहती है कि असाइनमेंट जमा कराते वक्त कोई फीस पे करना है कि नहीं। सो दोस्तों, आपको असाइनमेंट जमा कराते वक्त कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने असाइनमेंट में एक कवर पेज लगा दीजिएगा। कवर पेज में आपकी डिटेल्स लिखी होगी, इसमें आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका प्रोग्राम कोड, आपके सभी डिटेल्स के अलावा आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ सबमिशन और आपका सिग्नेचर, ये सभी डिटेल्स आपकी कवर पेज में होनी चाहिए। दोस्तों, कवर पेज को कैसे फिलअप करना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ मैंने कवर पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई असाइनमेंट की वीडियो डालूँ तो आप उस वीडियो को देख के अपने असाइनमेंट बना सकें। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सो डेट जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है उस असाइनमेंट को देख के कॉपी कर सकें। दोस्तों, आप चाहें तो इन्हें कॉपी भी कर सकते हैं या फिर अपने लैंग्वेज में भी पढ़ के बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो मार्कशीट में जोड़े जाते हैं और आपके जो मार्कशीट का 30% है आपके रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। सो डेट आप अपने असाइनमेंट अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आपको असाइनमेंट बनाने के लिए किस टाइप का पेपर यूज करना है, किस टाइप का पेन यूज करना है, इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। सो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें, आप रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो
आप अपने असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाएं ताकि आपके ट्यूटर आपको अच्छे अंक दे सकें। तो आपको असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको 100 में से 40 अंक लाना चाहिए, बट आप 95 मार्क्स तक ला सकते हैं। आप इन्हीं मार्क्स के बदौलत आप अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट को अच्छे से अच्छे प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। तो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये गलती करते हैं कि एक पेज असाइनमेंट लिखने के बाद वो अपने भाई या बहन या फिर किसी दोस्त से लिखवाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें ताकि बाद में आपका ट्यूटर आपको कम अंक दे। तो दोस्तों, आपको अपने असाइनमेंट एक ही राइटिंग में लिखवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड से लिखवा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि एक ही राइटिंग में पूरा होना चाहिए। दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर आपके इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार जरूर ध्यान रखें कि आप अलग वेबसाइट से बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि वहां पे आपका वाटर मार्क होता है। आप कोशिश कीजिए कि आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके ही आप लगाएं। तो आपको असाइनमेंट एग्जाम से पहले सबमिट कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप अपने असाइनमेंट एग्जाम से पहले सबमिट जरूर करा दीजिए। दोस्तों, असाइनमेंट कैसे बनाना है और कौन कौन सा असाइनमेंट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए और किस तरीके से आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आएंगे, इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों, असाइनमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे WhatsApp पे कॉन्टेक्ट करके या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, इन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनके पास भी ये सब्जेक्ट हैं वो इस असाइनमेंट को देख के अपना असाइनमेंट बना सकें। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग स्टडी जोन।